एक ही टाइम की वीडियो शेयर कर रहे हैं, जैसे शाम की टाइम की वीडियो या फिर सुबह के टाइम की, क्योंकि होता क्या है कि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं हैं। अगर हम 5-6 मिनट की वीडियो बनाते हैं तो उसमें से आप 2 से 2.5 मिनट या 1 ही मिनट वीडियो देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ कमेंट आते हैं, तो आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, इसलिए वीडियो बड़ी नहीं बनाते, मतलब पूरा दिन का रूटीन नहीं दिखाते हैं, एक ही टाइम का रूटीन दिखाते हैं, या तो सुबह का या तो शाम का, और वैसे भी सुबह में कम ही दिखाते हैं क्योंकि सुबह काफी ज्यादा भाग दौड़ वाला होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने चाय रख दी है गैस पे, इसमें डालेंगे चीनी, चाय पत्ती और अदरक। तो यहाँ पे हमने चाय पत्ती चीनी डाल दी है, अदरक को हमने कूट के रखा था उसको भी डाल देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं और हमारी चाय तैयार हो जाएगी। और चाय जब तक खूब अच्छे से खौल ना जाए तब तक मज़ा नहीं आता चाय पीने का। तो सबसे पहले इसको अच्छे से खौलाते हैं, उसके बाद छान के सबको दे देंगे चाय। पे हमारी चाय बन गई है, आप लोग भी थोड़ी सी पी लीजिए। तो ये अपने लिए चाय हमने निकाल लिया है और बच्चों के लिए भी। आज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं चाय पीने का तरीका। तो ये है गोलू का चाय पीने का तरीका और आपको हम गौरी का भी तरीका शेयर करते हैं। तो यहाँ पे गौरी नीचे फर्श पे बैठकर पैर फैला के मुंह खोल के चाय पीती है। तो आप लोगों के साथ दोनों लोगों का चाय पीने का तरीका हमने शेयर किया है। इनको नीचे बैठ के खाना पीना ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए नीचे बैठती है। हो चुकी है शाम, शाम के बाद चाय पीने के बाद मैं अपने काम में लग चुकी हूँ किचन के। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने मटर की दाल भिगोई थी पूरियाँ बनाने के लिए, और मटर की दाल में क्या होगा था कि घुन पड़ गया था, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको ख़त्म कर देते हैं। तो हमने एक बार और थोड़ी सी बनाई थी और थोड़ी सी ये बच गई थी, तो हमने सोचा आज इसको बना देते हैं पूरियाँ। वैसे बच्चे दाल वाली पूरी नहीं पसंद करते हैं, आलू की पूरी ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन अब क्या है कि 3 महीने से जो भी कुछ घर में बन रहा है सब कुछ खा पी रहे हैं बच्चे। तो लॉकडाउन होने का एक फ़ायदा है कि बच्चे जो नहीं खाते थे उसको भी खाने लगे हैं। तो यहाँ पे आज हम बनाएंगे दाल वाली पूरी और उसके साथ में छोले। तो यहाँ पे हमने छोले भी धुल लिए हैं, उसके साथ साथ 2 आलू भी धुल लिया है। पहले हम छोले को उबलने के लिए रख देते हैं। तो हमने चने धुल के और उसी के साथ आलू धुल के गैस पर चढ़ा दिया है। मैं बाहर आ गई थी, आप देख सकते हैं पुदीने फिर से कितने अच्छे हो चुके हैं। किस किस को पुदीना चाहिए आके ले जा सकता है, बहुत अच्छा पुदीना हमारा हरा भरा हुआ है। अभी शाम का समय है, यहाँ पे इन्होंने पानी खोल रखा था, पौधे जो है सूख रहे थे। यहाँ पे पुदीना है, गुलाब का फूल, मिर्ची है, अरबी के पत्ते हैं और मीठा नीम है और आम का पेड़ है। सब में पानी देना था तो यहाँ पे पानी देने का काम हो रहा है। बाद यहाँ पे मैं फिर से किचन में आ गई हूँ बाहर से, बाहर थोड़ी देर बैठ लेते हैं शाम के टाइम में तो बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद यहाँ पे चने हमारे पक चुके थे जिसको खाली करके उसी कुकर में हम दाल को भी रख देते हैं उबलने के लिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि दाल को छौंक लगाकर पकाते हैं, लेकिन आज हम इसी तरह से उबाल के बनाएंगे। तो यहाँ पे ढेर सारी लहसुन और हरी मिर्च हमने लिया है, अब इसमें हम ऐड कर देंगे नमक और हल्दी। चाहे तो आप मसाले भी ऐड कर सकती हैं अगर आपको ज़्यादा चटपटा खाना पसंद है तो। तो यहाँ पे हम नमक, हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देंगे और इसमें 2 सीटी लगाएंगे। 2 सीटी से ज़्यादा मत लगाइएगा, नहीं तो आपकी दाल जो है लपसी की तरह हलवा बन जाएगी। 2 सीटी लगाएंगे तो आपकी दाल अच्छे से पक जाएगी। पानी उतना ही डालें जिससे दाल पक जाए, ज़्यादा गीली ना हो। तो यहाँ पे 2 प्लेट भर के पानी डाल दिया है। छोले के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो एक तरफ हमने दाल को रख दिया है पकने के लिए, दूसरी तरफ छोले का मसाला तैयार कर लेंगे। ये वाला मसाला आप अगर छोले में डालते हैं तो आपका छोला बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, जिस तरह से हलवाई लोग बनाते हैं उसी तरह से बनता है। तो मसाले में हमने गर्म मसाला लिया है, हरी इलायची, बड़ी इलायची और दालचीनी, काली मिर्च, लौंग और थोड़ा सा जीरा और सूखी धनिया। कढ़ाई हमने चढ़ा दी है गैस पे, तेल गरम हो चुका है। इसमें सबसे पहले तेज पत्ता, लाल मिर्च ऐड कर देंगे, उसके बाद जीरा और थोड़े से खड़े गरम मसाले, दालचीनी और छोटी और बड़ी इलायची ऐड कर दिया है। इसको अच्छे से फ्राई होने देते हैं। उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक नहीं था तो अदरक हमने नहीं डाला है, अगर आपके पास अदरक है तो अदरक भी डाल दीजिए। और इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे ताकि प्याज हमारी जल्दी से पक जाए। जब नमक ऐड कर देते हैं तो प्याज जो है पानी छोड़ देता है जिससे हमारा प्याज जल्दी गल। फिर से देख लेते हैं हमारी प्याज पक चुकी है, यहाँ पे देख सकते हैं जितनी प्याज थी उसकी आधी हो चुकी है, गल चुकी है। तो सबसे पहले हम वो वाला मसाला ग्राइंड करके जो हमने रखा था, जो हमने मसाला भुना हुआ था उसको ऐड कर देंगे। उसके बाद आप अपनी मनपसंद के अनुसार मसाले ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 कटे हुए टमाटर ऐड कर दिया है और मसाला ऐड कर दिया। मसाले में हल्दी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा गर्म मसाला, थोड़ा सा सब्जी मसाला और थोड़ा सा इसमें मीट मसाला ऐड कर दिया है। आप मसाले कोई सा भी डालें जो आपको पसंद है, जो आपको नहीं पसंद है स्किप भी कर सकती हैं। इसको अच्छे से मिक्स करके इसको गलने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक इसको गलाएंगे जब तक इसका तेल अलग नहीं हो जाता मसाले से। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि मसाला जले नहीं, इसको ढक देते हैं।
के बाद हम देख लेते हैं हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है और मसाले से तेल अलग हो गया है, इसका मतलब हमारा मसाला तैयार हो चुका है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ये अच्छे से ग्रेवी बन जाए। इसके बाद इसमें हम चने डाल देंगे, जो चना हमने बॉयल करके रखा था, साथ ही साथ दो आलू मिक्स करके डाल देंगे ताकि हमारी ग्रेवी और ज़्यादा गाढ़ी हो जाए। के बाद यहाँ पे आप पानी ऐड कर दीजिए, जितना आपको आवश्यकता है पानी की उतना आप पानी ऐड कर दीजिए। तो इसमें हमने पानी ऐड कर दिया है, इसमें ऐड कर देंगे नमक, नमक डाल के इसको ढक देंगे। फिर देख सकते हैं हमारा छोला अच्छे से बॉयल हो चुका है। अगर आपके पास हरी धनिया की पत्ती है तो डाल दीजिए, यहाँ पे हमारे पास हरी धनिया की पत्ती अवेलेबल नहीं थी तो हमने नहीं डाला। अब हमारा छोला बन, फिर देख सकते हैं हमारी दाल अच्छे से ठंडी हो चुकी है। इसको अब पीसना है, चाहे तो आप सिलबट्टे पे पीस सकती हैं या फिर मिक्सी में पीस सकती हैं। मैं सजेस्ट करूंगी आप सिलबट्टे पे ही पीसें, क्योंकि सिलबट्टे की दाल ज़्यादा अच्छी होती है पूरियाँ बनाने के लिए। पूरियों के लिए आटा बना लेंगे, आटा बनाने के लिए कोई भी मंत्र नहीं पढ़ना है, बस आटे में पानी डालिए और गूंथ लीजिए। रोटी से हल्का सा गीला रहता है पूरी का आटा। आप देख सकते हैं मैं पूरियाँ किस तरह से बना रही हूँ। सबसे पहले एक चकई ले लिया है, उसको गोल गोल राउंड शेप में कर दिया है, उसके बाद उसमें दाल को भर के बंद कर दिया, जिस तरह से कचौड़ी बनाते हैं। तो बेल लेंगे पूरियाँ। बेलने के लिए सबसे पहले सूखे आटे में डिप करके उसको हाथ से अच्छे से बड़ा कर लें, उसके बाद आप बेलन से धीरे धीरे बेलें। थोड़ी सी ये पूड़ियाँ फट सकती हैं, आप सावधानी से बेलें। लेते हैं पूड़ियों को तो सीधे इसको तवे पर डाल देते हैं, उसके बाद इसको तरफ से तेल लगा के अच्छे से सेक लेंगे। तो हमारी दो तीन पूड़ियाँ तैयार हो चुकी है, चौथी पांचवी पूड़ी हम बना रहे हैं। तो इस तरफ से आप दोनों तरफ से अच्छे से तेल लगा के पूड़ियों को सेक लेंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। हमारे घर में हमें और इनको ज़्यादा पसंद है, बच्चों को कम पसंद आती है। पे हमारा छोला और पूड़ी बन के तैयार हो चुकी है, हमने अपनी प्लेट लगा ली है। बच्चे ऑलरेडी पहले ही खा चुके हैं, हस्बैंड भी खा चुके हैं, सिर्फ मैं ही बची हूँ। तो यहाँ अपने लिए प्लेट लगा ली है, इसमें से थोड़ा सा आप लोग भी खा लीजिए, उसके बाद हम खाना शुरू करते हैं। खाने के बाद ढेर सारा बर्तन इकट्ठा हुआ था तो छोला बच गया था, तो कढ़ाई हमने नहीं खाली की, कढ़ाई में ही छोला है। बाकी छुट्टे मुट्टे बर्तन धुल लेंगे, जैसे चकला बेलन बड़ी वाली थाली थी तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी बर्तन धुलने में, तो इसको हमने बाहर निकाल लिया है। बाकी बर्तन को हमने पहले माँज लिया था, उसके बाद धुल लेंगे। धुल के इसको पहले टोकरी में लगा देंगे, जब पानी इसका निकल जाएगा उसके बाद हम स्टैंड में लगाएंगे। तो काफ़ी ढेर सारे बर्तन हो चुके थे, जैसे कुकर हो गया था, कढ़ाई हो गई थी, तवा हो गया था, तवा तो काफ़ी ज़्यादा तेल से चिकना हो गया था, उसको माँजने में काफी ज्यादा टाइम लगते हैं। बाकी सब बच्चे वगैरह जो बर्तन खाए थे वो सब था। तो यहाँ पे सारे बर्तन धुल चुके हैं, लास्ट में हम चौका और जिसमें आटा गूंथते हैं थाली वाली बची थी उसको भी धुल लेंगे, और उसके बाद गैस का बर्नर तवा बचा हुआ है उसको भी धुल लेते हैं। साथ ही साथ गैस की सफाई, गैस साफ करने से पहले सबसे पहले टाइल्स पे साफ करते हैं, क्योंकि उस पर मसाले तेल वगैरह छींटे जाती हैं। तो सबसे पहले टाइल्स को साफ कर लेते हैं, फिर उसी कपड़े से नीचे की टाइल्स को भी साफ कर लेते हैं, उसके बाद गैस को साफ कर लेते हैं। इस तरह से हमारा किचन क्लीन हो जाता है। हेलो फ्रेंड, तो काम करते करते बच चुके हैं 10 और हमारा आज का काम जो है डन हो चुका है, खत्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है। तो आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो का एंड करेंगे। तो सब लोगों ने खाना खा के सब लोग सोने भी चले गए हैं। अभी मैं किचन की साफ सफाई में लगी हुई थी, तो किचन हमने समेट दिया है। रोज रोज का डेली का काम है कि खाना बनाओ उसके बाद किचन साफ करो, तो अभी किचन का को समेट दिया है। मैं सोचा कि वीडियो का एंड कर देते हैं, उसके बाद हम जो होंगी बात करते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। आप लोग पूरी वीडियो देखा कीजिए, पूरी नहीं तो कम से कम आधा तो जरूर देखा कीजिए। और इससे क्या होता है कि हमारी वीडियो जो लोग आप लोग जो है थोड़ा बहुत इधर उधर करके देखते हैं, उससे जो है ख़राब हो जाती है वीडियो। यूट्यूब क्या करता है, उसको आगे शेयर नहीं करता है, सजेस्ट नहीं करता है किसी और को। इसलिए आप लोग जिसकी भी वीडियो देखें, हमारी नहीं जिसकी भी वीडियो देखें, तो ये सोच के देखें कि इसकी वीडियो हमने खोली है तो कम से कम आधा तो ज़रूर देखेंगे, उसके बाद ही बंद करेंगे। बस यही कहना था आप लोगों से, और आज की वीडियो यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, रेसिपी की वीडियो आजकल इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आप लोगों को पता ही है कोरोना फैला हुआ है, तो बाहर से सामान नहीं आ रहा है। जो भी घर में है उसी को या तो रेसिपी दिखाएं या तो फिर ब्लॉग वीडियो बनाएं, तो आप लोग जो कहेंगे वैसा करेंगे। मुझे लगता है कि ब्लॉग बना देते हैं तो ब्लॉग में सब कुछ आ जाता है, रेसिपी भी और किस तरह से बनाते हैं वो भी शेयर कर देते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी आज की, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।